Hello, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is April 28, 2020, Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for business and management students, G.R.F. aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties, and teachers of different disciplines. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with Article Number One, given on page number one. Signal from Modi to CM. लॉकडाउन में कंटिन्यू कल सत्ताईस uh, अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्टेट uh, सी के साथ में उनकी मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि जो तीन मई के बाद जो एक्सपेक्टेशन uh, है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा दैट कैन स्टिल बी कंटिन्यू हाउ एवर द ग्रीन जोन्स द ग्रीन जोन्स ऐसे ऐसे जोन्स ऐसे एरियाज जहाँ पर कोविड नाइन्टीन के केसेस नहीं मिले हैं उन सारे एरियाज में कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के हालांकि इस इशू पर भी कई सारे स्टेट आपस में डिवाइड थे कोई लॉकडाउन के फुल लॉकडाउन के फेवर में थे कुछ पार्शल लॉकडाउन के फेवर में थे कोई डिवीज़न देखने को मिला तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार हमें कोविड नाइन्टीन से भी फाइट करना है और ऑन द अदर हैंड हमें अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी को भी ध्यान में रखना इकोनॉमी को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता तो इस सब चीज़ों को लेकर ले, ले लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टेट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी उनके रेड जोन्स हैं दे कन्वर्ट इन टू ऑरेंज जोन्स एंड ऑरेंज जोन्स कन्वर्ट इन ग्रीन जोन्स So that maximum economic activities can be initiated in. दोज ग्रीन जोन्स और उसी ड्यूरेशन में आर बी आई ने भी गवर्नमेंट से यह कहा है कि गवर्नमेंट का जो इस बार का टा फिजिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का जो टारगेट था थ्री पॉइंट फाइव परसेंट का ऑल दो जनरल टारगेट जो होता है उसमें वो तीन परसेंट का होता है बट इस बार टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी में गवर्नमेंट ने इस टारगेट को रिवाइज करके थ्री पॉइंट फाइव परसेंट कर दिया था फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट रिवाइज किया था उसको थ्री से थ्री पॉइंट फाइव परसेंट कर दिया था तो आर का कहना है कि इस बार जो थ्री इंक्रीज़ किया है आपने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट वो भी ब्रीच होगा बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन इम्पैक्ट तो आर के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि देयर इज़ अ नीड फॉर अ इलेबोरेटिड एंड वेल डिज़ाइन प्लान सो दैट द डेफिसिट विच इज वेटिंग डेफिसिट विच इज गोइंग टू एक्चुअली इंक्रीज इन अपकमिंग टाइम हैज़ अ प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट वेस अदरवाइज़ uh, अब अगर आप अभी खर्च करते रहेंगे फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को ब्रीच करेंगे तो लेटर ऑन इट मे क्रिएट अन अदर प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी और स्टेट्स ने कुछ ऐसे ऐसे, ऐसे एक्शंस लिए हैं हरियाणा जैसे हरियाणा डेली ने, ने अपना बॉर्डर टाइट कर दिया है तमिलनाडु ने तो एक टेम्परेरी वॉल ही बना दी अपने बॉर्डर के, के किनारे किनारे आंध्र प्रदेश से आने वाले लोगों को आ, रोकने के लिए तो इस तरह से इस्टेट जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजनस ले रहे हैं और लॉकडाउन के एक्सटेंशन को भी लेकर के स्टेट्स में कोई भी यूनानिमिटी देखने को नहीं मिली है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू आर बी आई ओपन रुपीज़ फ़िफ्टी करो फिफ्टी थाउजेंड करोड्स लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था के फ्रैंकलिन के बाद जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से और आरबीआई से और सेबी से मीटिंग करी जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को डायरेक्ट किया था कि दे शुड केप विद सर्टेन मेजर्स फॉर फॉर इम्प्रूविंग द फिजिकल कंडीशन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स कंपनी तो उसी ला, उसी लाइन में आरबीआई ने कल आ, मंडे को ही अनाउंसमेंट करा है एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो पचास हज़ार करोड़ की और सिर्फ स्पेशली म्यूचुअल फंड्स कंपनी के लिए इट इज़ बेसिकली द लाइन ऑफ क्रेडिट है uh, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि लोन में और लाइन ऑफ क्रेडिट में कोई डिफरेंस होता है या दोनों एक ही चीज़ें होती हैं तो आरबीआई ने स्पेशली टारगेट किया है म्यूचुअल फंड को इस पैकेज में और पचास हज़ार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी विंडो प्रोवाइड करी है कॉमर्शल बैंक और उनसे कहा है कि इस लिक्विडिटी विंडो से जो आप लोन लेंगे या लाइन ऑफ क्रेडिट में जितना भी पैसा आप निकालेंगे वो पैसा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज को ही डायरेक्ट होगा क्यों क्योंकि इस समय म्यूचुअल फंड कंपनीज़ जो हैं वो हाई स्ट्रेस फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ द रिडम्पशन प्रेशर और फ्रैंकलिन के जो जैसे जो अपनी सिक्स बेसिकली uh, जो अपनी सिक्स डेट स्कीम्स बंद करी हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट uh, आ सकता है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में जो कि लेटर कॉरपोरेट डेट मार्केट को अफेक्ट करेगा इसलिए गवर्नमेंट ने आरबीआई से मेजर लेने को कहा था और आरबीआई बी आई या स्कीम विद इमीडिएट मेजर्स ऑफ क्रिएटिंग स्पेशल इक्विडिटी विंडो ऑफ रुपीज़ फ़ाइव थाउजेंड करोड़ बैंक कैन बोरो फंडस फ्राम स्टैचुटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी अब यहाँ बैंक्स के पास दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड्स को फिनांस करने के या उन्हें लैंड करने के ठीक है पहला या तो वो जो म्यूचुअल फंड्स के पास डेट डेट्रल सिक्योरिटीज़ या कमर्शियल पेपर जो गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज़ के पेपर हैं उनको खरीद लें और उनको पैसा दे दें दे या Uh, उनके उनके म्यूचुअल फ़ंड से कोई को या डेट सिक्योरिटीज लेकर के उनको लेंड कर दें दो तरीके हैं आर बी ने दोनों पर uh, सहमति जताई है कि बैंक्स कमर्शियल बैंक्स अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी मेजर यूज़ कर सकते हैं या उनके कॉमर्शियल पेपर ख़रीद लें कॉमर्शियल पेपर खरीदेंगे तो उन्हें पैसा देंगे तो उससे uh, आप म्यूचुअल फंड्स कंपनी जो अपने रिडम्पशन प्रेशर को मीट आउट कर लेंगी या उनकी कोई डेट सिक्योरिटी या कोई लेटरल उनको लैंड कर दें किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे जैसे कि रेपो रेट या अदर जो कमर्शियल बैंक रेट्स चलते हैं उस पर और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो उससे भी वो अपना रिडम्पशन प्रेशर को मीट आउट कर सकते हैं

इट कुड बी द हैवी पेनल्टी फॉर दोज कॉमर्शियल बैंक्स क्योंकि आर बी आई यहाँ बहुत अच्छे से जानता है कि कॉमर्शियल बैंक्स आर रिलेक्टेड टू फंड एन बी एफ सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो हो सकता है कि कहीं uh, इस फंड को किसी और uh, एरिया में यूज़ किया जाए जिसके लिए आर बी आई ने कि सख्त मना किया और बोला कि हैवी पेनल्टीज कैन भी इम्पोज द बैंक फाउंड लैंडिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी टू फॉर अनादर पर्पज ओके तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसके हाईलाइट्स हैं बैंक्स कैन बोरो एट अ रेपो रेट फॉर नाइन्टी डेज यूजिंग फैसिलिटीज़ जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आर बी से रेपो रेट पर बाई कर सकते हैं इस विंडो के तहत नाइन्टी दिन के लिए फैसिलिटीज़ ऑन टॉप एंड बैंक्स कैन सबमिट बिड ऑन एनी वर्किंग डे बैंक्स बेसिकली अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं फंड्स टू बी यूज फॉर गिविंग लोन्स बाइंग म्यूचुअल फंड्स पेपर्स डूइंग रेपो विद म्यूचुअल फंड्स कंपनी स्कीम्स मे बी कंटिन्यू टिल मे एलेवन और टिल द यूटिलाइजेशन ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट मतलब जब या तो ग्यारह मई तक या जब तक कि जो अमाउंट एलोकेट किया है पचास हज़ार करोड़ का वो खत्म नहीं हो जाता तब तक कि उनमें से कोई भी जल्दी जो जल्दी होगा वो लास्ट डेट हो जाएगी अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री फ्रॉम पेज नंबर टू सपूर जी ऑफ लोड सोलर आसेट्स टू के के आर फॉर रुपीज़ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी करोड़ इसमें क्या है इसमें सपूर जी जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उसने अपने आसेट्स जो हैं वो ग्लोबल फाइनेंशियल पावर के के आर को बेच दिए हैं इन अ फायर सेल और उससे क्या होगा उससे जो एस पी ग्रुप पर जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थे या जो उन पर फाइनेंशियल बर्डन था उसको वो मीट आउट करेंगे हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस सेल विल नॉट बी एनफ फॉर एस पी ग्रुप टू मेड इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट इनको आगे जा कर के फ्यूचर में और भी ज़्यादा अपने असेट्स को बेचना पड़ेगा इफ़ दे रियली वट टू फिलफिल देयर ऑल कमिटमेंट्स ठीक है इक्विटी कमिटमेंट वर्थ ओपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ टू सेवरल ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पेंडिंग द डेट ले एस पी ग्रुप ऑन मंडे सोल इट्स सोलर पावर असेट्स ठीक है इतना इन पर डेट था उन्होंने अपना सोलर पावर एसेट जो है वो इतने में बेचा है ठीक है इतना उनके ऊपर डेट है और इतने अमाउंट में उन्होंने मतलब दो हज़ार पाँच सौ करोड़ का डेट है और एक हजार पाँच सौ पचास करोड़ का उन्होंने अपने सोलर एसेट्स बेचे हैं केके आर ग्रुप को तो इट इज क्लियर कि भाई इतना अमाउंट अगर आपका इतना लोन है तो इतना इतना अमाउंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच और एक्सपर्ट्स भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर भी एस ग्रुप को लैंडिंग या लोन लेना पड़ेगा या अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा एस ग्रुप विल यूज़ द फंड्स टू ट्रेम इट्स डेट एंड इन्वेस्ट इन अदर बिजनेस इंक्लूडिंग रोड पोर्ट्स एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है ये और सोलर में भी है तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले तो अपने डेट पूरे करेंगे इसके बाद जो बचेगा अमाउंट अगर लेफ्ट दैन दे इन्वेस्ट इट ऑन रोड पोर्ट एंड पावर्स द सेल ऑफ़ सोलर असेट्स टू प्लेस अगेंस्ट द बैकडॉक ऑफ द कंपनीज अर्लियर प्रपोज्ड प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज़ फाइव हंड्रेड करोरस फेलिंग टू मेटेरलाइज इसकी वजह से ही इनको ये अपना असेट बेचना पड़ा है अगर ये डील मेटेरलाइज हो जाती तो शायद कंपनी को अपने असेट्स को बेचना नहीं पड़ता आप इस समय देख रहे हैं कोविड नाइन्टीन के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी कंपनीज हैं आप देखेंगे इंडियन कंपनीज जिनको फॉरन इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या उसमें मेजर स्टेक डाल रहे हैं या उनको डायरेक्टली परचेस कर ले कर ले रहे हैं तो इस, इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा जब इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो हो सकता है ये सारे जो मर्जर एक्विजिशंस और ये जो बाइंग हो रही है जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ये आगे जाकर के एक नई तरीके प्रॉब्लम क्रिएट करें नई तरीके की कैसे प्रॉब्लम मतलब जितने भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डोमिनेट होगी फॉरेन प्लेयर्स से और किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है कि उसकी जो बिज़नेस या जो इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री सेगमेंट है वो फॉरेन प्लेयर्स से फॉरेन इन्वेस्टर्स से डोमिनेट हो ठीक है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर आर्टिकल नंबर फोर क्या है स्टार्टअप्स प्रोवाइड ब्रीदर टू इंडियाज़ वेंटिलेटर प्लाइट जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली कई सारी न्यूज़ में कि इस समय इंडिया में वेंटिलेटर की जो की जो शॉर्टेज है उसको गवर्नमेंट पूरा करने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स डाल ली उस एफ़र्ट्स में यह भी था कि जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा रिसेशन uh, या बोल सकते हैं फॉल डाउन फेस कर रही हैं या बिल्कुल सेल नहीं है उनमें जस्ट लाइक हमारी जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो फिफ्टी वन परसेंट का लाइन कॉमर्शियल सेगमेंट एटी एट परसेंट का लाइन तो गवर्नमेंट या उन्होंने खुद अपने uh, अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए या अपने प्रॉफिट को अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ऑल ऑटोमोबाइल्स कंपनीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ द वेंटिलेटर्स तो इसी ड्यूरेशन में और इसी लाइन में जितनी हमारे स्टार्टअप्स कंपनी जो छोटी छोटी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेंटिलेटर और दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व दैम सेल्फ इन टू द वेंटिलेटर प्रोडक्शन और डिजाइनिंग इन ऑर्डर टू हेल्प द इंडियाज

उस सिचुएशन में दे रिक्वायर वेंटिलेटर फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो अब इंडिया में क्या है इंडिया में बहुत फॉर इंस्टांस हैज़ लेस देन फिफ्टी थाउजेंड वेंटिलेटर्स विच विल बी सफिशियंट टू डील विद द अराइजिंग कोविड नाइन्टीन केसेज इन द कंट्री पचास हज़ार वेंटिलेटर हैं विच हो सकता है कि वो सफिशियंट हो इन अ सिचुएशन लाइक दिस सेवरल स्टार्टअप्स आर कमिंग अपकन्वेंशनल सिस्टम्स एंड इंडिजीनियस वेंटिलेटर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और इसी सबको पता है कि इंडिया में वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अगर हम रेशियो की बात करें तो इंडिया में पर कैपिटल जो जो बोलता है कि पर इंडिविजअल कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं या वन वेंटिलेटर कितने इंडिविजुअल्स हैं तो वो रेशियो जीरो से भी कम है क्यों क्योंकि अगर हम सोचें इंडिया में पचास हज़ार वेंटिलेटर्स हैं एज़ पर द रिकॉर्ड कितनों कितनी पॉपुलेशन पर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन पर ठीक है तो वो वो रेशियो जीरो से भी कम पर जाता है हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतने पचास जो पचास हज़ार वेंटिलेटर्स हैं दे आर सफिशेंट और टू फाइट द कोविड नाइन्टीन बट उस, उसमें से अभी अभी ये श्योरिटी नहीं है कि पचास हज़ार जो वेंटिलेटर्स हैं इसमें एक्चुअली कितने वर्किंग हैं अगर हम यू की बात करें तो वहाँ एक लाख साठ हज़ार वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी है और इसके बाद भी यू में कई जगह वेंटिलेटर की शॉर्टेज दिखी जा रही है तो इन सब जिस तरह से कोविड नाइन्टीन के केसेज बढ़ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ वेरी बोलते हैं फुलिश स्टेटमेंट टू से दैट पचास हज़ार वेंटिलेटर पे इंडिया कैन सर्वाइव उसी इसी लाइन पे हमारा जो डेली गवर्नमेंट है उसने भी पचास हज़ार करोड़ वेंटिलेटर की डिमांड रखी थी इंडिया ने भी चाइना से रिक्वेस्ट करी है कि उसको अप्रॉक्सीमेटली दस से पंद्रह हज़ार हाँ वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट किए जाएँ इन ऑर्डर टू फाइट द कोविड नाइन्टीन तो इसी इस, आ, इंडिया को हेल्प करने के लिए इसी लाइन में जितने भी हमारे मीडियम स्केल स्टार्टअप्स हैं दे आर कमिंग विद द काइंड ऑफ इनोवेटिव सोल्यूशन द मेट टेक्स स्टार्टअप हैज़ डेवलप वन ऑफ इट्स काइन कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सी पैप सिस्टम विच इज़ नॉन इन्वेजिव ठीक है वो आप होता गया एक्चुअली क्लास स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम ये कहता है कि जब भी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है या इकोनॉमिक क्राइसिस में जाती है तो एक इट डिफरेंट लाइन ऑफ इनोवे इंटरप्रनोरियस एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज होते हैं जो कि बेसिकली इनोवेटिव होते हैं इस समय इस ड्यूरेशन में किसी भी इकोनॉमी में जब रिसेशन या इकोनॉमिक लॉक इकोनॉमिक मेल्कडाउन की कंडीशन होती है तो उस ड्यूरेशन में जो इनोवेशन होता है वो अपने पीक पर होता है बहुत सारे इनोवेटिव इंटरप्रन्योर्स इमर्ज होते हैं और लेटर uh, ऑन वही इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स आगे जाकर इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं या एक नए लाइन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस स्टार्ट होता है तो इसी में अगर आप देखें तो बिल्कुल सच का है जिस जिस भी इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरी दी थी क्यों क्योंकि इंडिया के केस में जो हमारे मीडियम टेक स्टार्टअप्स हैं दे आर कमिंग विद द डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन अगर आप न्यूज़ भी देखते हो तो आपको दिखता होगा कि कई कई सारे जो स्मॉल uh, स्केल uh, हमारी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं दे आर कमिंग कम विद डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं जुगाड़ टाइप ऑफ सोल्यूशन इन ऑर्डर टू फाइट द कोविड नाइन्टीन एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ़ क्राइसिस सिचुएशन की अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगा कई कई बार तो ऐसा भी आप देखे देखा होगा आपने टीवी में देखने को मिला होगा आपको कि एक इनोवेट एक वेंटिलेटर पर चार से पाँच पेशेंट्स को रखा जा सकता है तो इस तरह के भी इनोवेशन आपको देखने को मिलेंगे तो इसी लाइन में जो हमारी मिड टेक स्टार्टअप कंपनीज है जै कमिंग सी पी ए पी सिस्टम विच एक्चुअली रनस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ अ सिक्स आवर्स बैटरी बैकअप अगर लाइट नहीं है आप तो वो छः घंटे तक इसके बावजूद भी वो चलेगा आप सोचिए इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन का पावर कट होता है और अगर ये कोविड uh, नाइन्टीन हमारे गाँव तक पहुँच गया तो उस केस में इस तरह का वेंटिलेटर या इस तरह का जो हमारे यहाँ इट्स इट्स वन ऑफ़ इट्स काइंड जो सी ए पी ए पी ए पी सिस्टम इमर्ज हुआ है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है द सी पी ए पी सिस्टम कुड एक्ट एज अ बैकअप वेंटिलेटर सिस्टम वेन द वेंटिलेटर ऑफ अ ट्रेन स्टाफ और फॉर इंक्यूबेशन इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल ऑल दो ये ऐसा बोला जा रहा है कि वेंटिलेटर को रिप्लेस नहीं करता था बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है वहाँ पर यह कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट या एक बोलते हैं कि हेल्पफुल हो सकता है वी हैड डेवलप अ न्यू नेटल सी पी ए पी सिस्टम और न्यू नेटल मतलब छोटे बच्चों के लिए भी अगर कोरोना वो ये सिस्टम यूज हो सकता है और एडल्ट के लिए भी यूज हो सकता है विच वॉज डिज़ाइन फॉर द प्री मेच्योर बेबीज एंड वी बिल्ड सास प्रो ऑन दैट प्लेटफॉर्म फॉर एडल्ट इन अ स्पैन ऑफ टू मंथ्स अभी क्या है न्यू नेटल्स जो न्यू बॉन्स बेबी होते हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत होती है उनके लिए डेवलप किया गया और यह कहा जा रहा है कि आपने विद इन टू मंथ्स दे आर गोइंग टू डेवलप फॉर एडल्ट ऑल्सो तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी कि हमारे जो इनोवेटर्स हैं वो इंटरप्रोर बन के सामने आ रहे हैं आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव पी ई वी सी इन्वेस्टमेंट हिट्स आर ट्वेल्व क्वार्टर लो एट डॉलर वन पॉइंट फाइव बिलियन ये न्यूज़ क्या कहती है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया प्लंज फ्रॉम अ हाई ऑफ 2.5 बिलियन इन जनवरी जो जनवरी में सबसे हाई था दैट इज डॉलर 2.5 बिलियन वो अपने तीन साल के लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया है दैट इज़ डॉलर 818 मिलियन इन मार्च और क्यों अपने लो पर आया है मार्च में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्टर्पन्स कॉज्ड बाई this lockdown the precipitate the precipitous decline in such investment was the result of severe disruptions across the market caused by dwindling economic activity owing to the lockdown in multiple countries This lockdown kiwataja venture capitalists and private equity investors hain, they are not ready to invest in uh, startups or uh, अर्ली स्टेज कंपनीज क्यों क्योंकि अब उन्हें आगे आने वाले टाइम में जो रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं और जो आने वाले टाइम में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क में है कब तक ये लॉकडाउन चलेगा इसकी भी श्योरिटी नहीं है और लॉकडाउन होने के बाद में कितनी किस तरह की इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्शन्स मिलेगा काम करने के लिए वर्कर्स अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी लॉजिस्टिक कैसा रहेगा हेल्थ केयर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है डिमांड कैसी रहेगी इन सब चीज़ों के लिए अभी भी श्योरिटी नहीं है इसीलिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन टू स्टार्टअप्स अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये वेंचर कैपिटल होता क्या है बेसिकली हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हो या बहुत लोग ना जानते हो मैं अब शॉर्ट में डिस्कस कर लेती हूँ वेंचर कैपिटल बेसिकली प्राइवेट इक्विटी होती है जो फाइनेंस करती है अर्ली स्टेज जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं या uh, हमारे इमर्जिंग कंपनीज होती हैं उनको इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैम फाइनेंस ठीक है जो हमारे वेंचर कैपिटल कैपिटलिस्ट होते हैं दे आर द रिस्क टेकर्स वो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अर्ली स्टेज में होती हैं बट ये श्योर sure होता है कि वो आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट अर्न करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ये डिमॉन्सट्रेट करता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो हाई होगी ठीक है स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता बट दे हैव द आइडिया और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं उनके पास फाइनेंस होता है बट दे डोंट हैव एनी आइडिया दे डोंट वॉन्ट टू रन एनी बिजनेस तो वो क्या करते हैं अपना आइडल मनी स्टार्टअप्स और जितनी भी हाई प्रोमिस ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनमें लगा देते हैं और इन रिटर्न दे टेक द प्रॉफिट देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं ठीक है आप इसको शेयर होल्डर से कंफ्यूज uh, नहीं करें कि शेयर होल्डर वेंचर कैपिटलिस्ट एम होते नहीं शेयर होल्ड जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं बेसिकली ये किसी अर्ली इनका इनका एक जो सबसे बोलते है, हैं प्राइम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि वो अर्ली स्टेज की जो कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज जो मार्केट में अपने शेयर्स फ्लोट नहीं कर सकते जस्ट लाइक स्टार्टअप स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बट दे हैव द हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल तो वेंचर कैपिटलिस्ट इनको कभी कभी अब एंजल फंड्स के रूप में भी आपको सुनने को मिलेगा कि एंजल फंड्स ठीक है तो वेंचर कैपिटलिस्ट के भी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डाउनफॉल देखा गया है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन और तो, जो सबको सब पता है इवन वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो नो कि इकोनॉमी जो इस समय वो डिस्टर्ब्शन की फेज में है द फ्यूचर इज स्टिल अनसर्टेन सो दैट दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू द स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स आर फेसिंग अनदर प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी क्रंच और जो उन पर जो उनके एन पी एज हैं उसकी प्रॉब्लम भी आ रही है तो इस सारे केस में वेंचर कैपिटलिस्ट दे डोंट वॉन्ट टू टेक द अननेसेसरी रिस्क अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर सिक्स फ्रॉम पेज नंबर टू प्रपोजल फॉर न्यू पावर अथॉरिटी डिवाइड्स एक्सपर्ट इस न्यूज़ में क्या है इस न्यूज़ में बेसिकली जो गवर्नमेंट ने अपना ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 लाया है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले 2003 था उसको रिप्लेस करते हुए तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजन्स डाले गए हैं जो कि बहुत टाइम से एनर्जी सेक्टर डिमांड कर रहा था बट कुछ प्रोविजन्स ऐसे भी हैं जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हुई है उसमें से एक प्रोविज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिसि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ई सी ई ए का जो गवर्नमेंट uh, ने प्रपोजल दिया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अननेसेसरी इस तरह की अथॉरिटी को क्रिएट किया जा रहा है जबकि हमारे पास हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हमारे पास स्टेट और सेंटर कमीशन है जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को देखते हैं देन उसके बाद भी आप एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हो फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो वो एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी लेयर क्रिएट करेगा इनटू द अथॉरिटी और द हाइर और उसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पर देखने को नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या है ये एक अथॉरिटी है जिसको जो न्यू बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 इसमें प्रपोज किया गया अंडर सेक्शन 109 ए और इसका बेसिक काम क्या होगा इट विल रिजॉल्व मैटर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज इसका बेसिक जो फंक्शन होगा मैंडेट होगा वो सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा नहीं होता कि जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ठीक है तो बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और जो अगर आप बहुत डीपली सेक्टर के एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि बेसिकली जो डिस्क कंपनीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो एनर्जी सेक्टर में दे आर ऑल्सो फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ सर्टन अदर इशूज दैट आई एम नॉट गोइंग टू डेल एट दिस टाइम बट विल डिस्कस लेटर इन द फ्यूचर इफ इट रिक्वायर्ड तो उसकी उसी की वजह से गवर्नमेंट ने जो नया इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रपोज किया है और उसमें एक नई अथॉरिटी को डाला है द पावर मिनिस्टर रिलीज़ द अमेंडमेंट मेड्स टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी अप्रैल सेवनटीन को गवर्नमेंट ने यह बिल पब्लिक में पब्लिक डोमेन में डाल दिया और इसके अगेंस्ट कमेंट्स मांगे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिविल ऑर्गेनाइजेश और पब्लिक की वॉट दे थिंग अबाउट दिस बिल

कई सारे और इवन कई सारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने इस फॉर्मेशन ऑफ दिस अथॉरिटी हैज़ बीन वेलकम बाई सम सीनियर एग्जीक्यूटिव दे सेट दैट इट विल स्पीड अप द जजमेंट कि एक और अथॉरिटी बनने से क्या होगा जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है बहुत लॉन्ग टाइम से जिनको ये ट्रिब्यूनल्स या कमीशन्स नहीं देख पा रहे हैं तो अथॉरिटीज़ जो है वो ई सी ई अथॉरिटी जो है वो इस स्पीड अप करेगी जजमेंट और बहुत सारे केसेस को टाइम पर रिजॉल्व कर देगी हालांकि इसके क्योंकि अभी रोल डिफाइंड नहीं है तो एम्बिग्यूटी अभी भी बनी हुई है कि इसका जो रोल है ई का इसका रोल ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पर इनके रोल से कैसे अलग होगा तो इस चीज़ पर भी कई सारी एम्बिगुटी बनी है हमारे अगर हम बात करें जो हमारा इस समय का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है स्टेट लेवल पर जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और हमारे सेंट्रल लेवल पर भी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और इन दोनों का ही काम वही होता है जो कि ये काम बोला जा रहा है कि हमारा ई करेगा इसके बावजूद भी हमारे पास एपलेट ट्रिब्यूनल है ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल की अगर आपको स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल है इफ़ यू हैव नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर रेगुलेटरी कमीशन देन यू कैन अपील टू एप दिस एपलेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन दो इफ द parties are not satisfied with the reward of the appellate tribunal then they can directly go to the civil court and eventually to the supreme court means all the regulatory uh, commissions and the judiciary authorities are involved in electricity industry then to what is the requirement of forming this special authority under this new bill it is being questioned by the many experts स्टूडेंट्स कई सारे ऐसे एपलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं जैसे इस केस में है इलेक्ट्रिसिटी हम आएंगे रिवर डिस्प्यूट के केस में भीट एपलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं कंपनी केसेस uh, में कंपनी लॉ के केसेस में भी हमारे पास एपलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं कहीं कहीं एपलेट ट्रिब्यूनल्स के जो वर्डिक्ट्स होते हैं जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और किसी किसी केस में वो चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं वो फाइनल होते हैं बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड और कंटेंटेड रिवॉर्ड ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिस दे कैन गो टू दिविल कोर्ट और इवेंचुअली टू द सुप्रीम कोर्ट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ये बताइएगा कि ऐसे कौन से ट्रिब्यूनल है जिनका जो जो वर्डिक्ट है, जो रिवॉर्ड है वो फाइनल माना जाता है उनके अगेंस्ट कोई भी पार्टी किसी भी अदर कोर्ट में नहीं जा सकती ऐसे भी हैं तो आप मुझे सर्च करके बताइएगा द स्कोप ऑफ द एजुडिकेशन रिडक्शन ऑफ एस सी आर सीज बी रिड्यूस्ड एंड द पावर टू एजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू परचेज सेल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज नाउ बेस्टेड विद ई सी ई ए गवर्नमेंट क्या कह रही है गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन, इन जितने भी हमारे कमीशन थे इनकी पावर को थोड़ा सा रिड्यूस करके हमने किसको दे दिया है ई सी ए को ई सी ए का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इशूज़ पर जो है वो जिडक्शन रखेगी एजुडिकेट करेगी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इशूज़ पर और अदर इशूज़ को यही हम हमारे जो रेगुलेटरी कमीशन हैं जो अपन ट्रिब्यूनल है ये डील करेगी दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ सेंट्रल बॉडी फॉर एजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स और ये सेंट्रल बॉडी है एजुटिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कितने भी चाहे वो परचेज सेल या ट्रांसमिशन ऑफ द पावर को लेकर के हैं वो सारे के सारे के जो केसेज हैं वो ई सी ई एड ही डील करेगी तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और इससे कुछ नुकसान भी है बेनिफिट्स क्या है कि भाई स्पीडअप हो होगा और जो uh, प्रॉब्लम्स आती हैं जो डीले ऑफ डीले जो रिडक्शन को को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी बट डिसएडवांटेज uh, क्या है इट विल क्रिएट अननेसेसरी द ब्यूरोसी और हरकी क्रिएट करके कई बार जो रोल है वो बहुत क्लियर नहीं होते कि कमीशन का रोल क्या होगा और ये अथॉरिटी का रोल क्या होगा तो इसके इन इन दोनों के बीच में भी टशल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइट्स हैं जिसमें आप जिसके आप एक बार देख सकते हैं आप थोड़ा सा देख लेते ले जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 2020 ट्वेंटी इसके हाईलाइट्स के हैं इंडिया जो है वो 2022 तक ठीक है 2022 तक कुछ टारगेट अचीव करना चाह रही है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आप मुझे बताएंगे क्या टारगेट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कितने परसेंट ऑफ़ आवर इलेक्ट्रिसिटी वी वॉन्ट टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज टिल टू टू तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए इस नए इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारे प्रोविजन्स दिए हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को भी देकर रेगुलेशन दिए हैं इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में बो, बोला गया है जो कौ, जो कौ, कमीशन है उसमें जो मेम्बर्स होते हैं उनके सेलेक्शन के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है सब्सिडरीज के बारे में क्रॉस सब्सिडरीज और जो भी सब्सिडरीज जो दी जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्कॉम कंपनीज को उसके बारे में भी बहुत सारे जो हैं अमेंडमेंट्स हैं टाइम लिमिट दिया है टैरिफ के लिए इंक्लूजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंस फ्रेंचाइजी का भी एक नया सिस्टम डेवलप करा जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्विडिफिकेशन भी किया गया है कि इसका नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे अभी ये भी न्यूज़ में थे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सब लोग लाइट्स ऑफ करके एक दिया जलाएंगे तो उस समय भी ये एन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि uh, क्या एक्चुअली हमारा जो ग्रेड है वो फेल हो जाएगा इतने ज़्यादा लो पावर से क्योंकि ग्रेड एक ऑप्टिमम पावर लेवल मेंटेन करता है लोड मेंटेन करता है और सडनली अगर फॉल होगा लोड में तो क्या हमारे ग्रेड फ़ेल कर जाएंगे तो उस न्यूज़ को लेकर भी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो था वो न्यूज़ में था तो आप मुझे बताएंगे कि क्या होते हैं और इनका बेसिक मैंडेट क्या होता है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर सेवन इंडिया जम्प्स टू थर्ड रैंक्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्टडी इसमें क्या है इसमें यूएस की एक थिंक टैंक ने एक स्टडी करी है जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने एक स्टडी करी है जिसमें इसमें पाया है कि जो इंडिया और चाइना है वो अब थर्ड और सेकेंड सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर मींस चाइना और इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में ठीक है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ग्रोथ एट थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट सॉ इट्स लार्जेस्ट एनुअल स्पाइक इन द डीट इन टू थाउजेंड नाइनटीन विथ चाइना एंड इंडिया बींग द सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर हम सभी जानते हैं इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है जो क्रूड ऑयल का और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का तो उसी लाइन में इस, इस, इस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करी और बताया कि अब वो आ, थर्ड पोजिशन पर आ गया है इट इज़ अ फर्स्ट टाइम दैट टू एशियन जानस वर अमंग द टॉप थ्री कंट्रीज स्पेंडिंग मोर ऑन आर्मामेंट्स ऐसा पहली बार हुआ है कि एशिया से दो कंट्री जो है वो सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर आए इससे पहले इंडिया जो था वो टॉप फाइव में रहता था बट ये इंडिया का हाइएस्ट जम्प है और इस पर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी जनरेट होती हैं कि इंडिया को आ, अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करके अपने जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ऑल दो इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है इसके अगेंस्ट भी एक थ्योरी है कि इंडिया जो है वो हॉस्टाइल कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है तो अगर इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं करेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा तो इट में अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया और उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा तो दो पॉइंट हैं दो साइड्स हैं वो एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रोज टू डॉलर वन नाइन वन सेवन बिलियन इन टू थाउजेंड नाइनटीन रिप्रजेंटिंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट कंपेयर टू टू थाउजेंड एटीन अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट बाई सि जो इज थ्री से ग्रो किया है चाइना और इंडिया ने और सेकेंड और थर्ड पोजिशन ऑक्यूपाई कर ली है द थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट स्पाइक इट सेट वॉज द लार्जेस्ट पेंडिंग ग्रोथ सिंस टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड टेन के बाद से सबसे ज़्यादा ग्रो करने ग्रोथ रेट है किसी भी कंट्री के कंपेरिजन में चाइनाज़ मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिट्स डॉलर टू सिक्स बिलियन इन टू थाउजेंड नाइन्टीन चाइना हमेशा से एक बहुत एग्रेसिव कंट्री रहा है तो चाइना का मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा है ठीक है अगर अभी की बात करें चाइना में तो चाइना इवन कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन को भी यूज़ करते हुए मेटरलाइज करते हुए कई जगह एग्रेशन दिखा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा जो अभी न्यूज़ में है वो साउथ चाइना सी में जो चाइना का एग्रेशन है उस पर इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हैं चाइना के ऊपर कि चाइना कोविड नाइन्टीन जैसे सिचुएशन को भी एक्सप्लॉयड कर रहा है अपने मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए ठीक है तो अगर आप लोग न्यूज़ में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना इज अगेन क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम इज साउथ चाइना सी इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉयड द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन क्योंकि इस समय सारे जो कंट्रीज हैं वो अपने है, अपने इकोनॉमी में बिजी हैं अपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तो चाइना इज टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशन इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू इंक्रीजेज इट्स मिलिट्री एक्सपेंशन एंड एग्रेशन ऑन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स तो चाइना का तो हमेशा से ही रहा है बट इंडिया के, के केस में tensions and the rivalry, both and the इंडिया टेंशन के राइवलरी बोथ पाकिस्तान एंड चाइना आर अमंग द मेजर ड्राइवर्स फॉर इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंड इंडिया के केस में ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एक ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि हमेशा से हॉस्टाइल रहे हैं। तो इन दोनों के के फेयर को ओवरकम करने के लिए या इन दोनों से अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया को फोर्सफुली इन्वेस्ट करना पड़ता है मिलिट्री या आर्मामेंट्स में ऐसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है और इंडिया भी हमेशा यही क्लेम करता है कि इंडिया Surrounded by the hostile neighbors. So, in order to secure themselves, India has to have uh, uh, investment or the expenditure on armaments. ओके okay. अगर हम बात करें द तो फाइव लार्जेस्ट स्पेंडर जो टॉप फाइव हैं वो टोटल वर्ल्ड का सिक्सटी टू परसेंट जो है वो अकेले ही स्पेंड करते हैं आर्मामेंट्स में मतलब जितना भी टोटल आर्मामेंट्स या मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है उसका सिक्सटी टू परसेंट ये अकेले फ़ाइव जो टॉप नेशंस हैं ये स्पेंड करते हैं नंबर वन पे कौन है नंबर वन पे यूएसए है नंबर टू पे चाइना है नंबर थ्री पे इंडिया है और नंबर फोर पे रशिया एंड देन सऊदी अरेबिया तो अभी आपने देखा होगा रशिया और यूएसए के बीच से फिर से न्यूक्लियर जो वॉर था वो बेसिकली जो आर्मामेंट्स वॉर था वो स्टार्ट हो गया एंड यू ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी उसमें कहा गया कि रशिया ने जो ट्रीटी थी जो ट्रीटी थी डिस को लेकर के उसको फॉलो नहीं किया है और कई सारे न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग करी और यूएसए यही सेम एलिगेशन रशिया यही सेम एलिगेशन यूएसए पर लगाता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये अगे ये कोविड नाइन्टीन का जो सिचुएशन है इसके बाद हो सकता है कि यू और रशिया के बीच में फिर से आरमेंट रेस स्टार्ट हो जाए दो कि जो कि वर्ल्ड के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी इंडिया कैंसल्स चाइनीज कोविड नाइन्टीन टेस्ट किट्स ऑर्डर दैट इज आर्टिकल नंबर एट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड नाइन्टीन का जो टेस्टिंग को लेकर के जो चाइना जो किट्स आई थी एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स उसको लेकर के बहुत कॉन्ट्रोवर्सी थी ठीक है तो उसके केस में उस, उस इसी लाइन में इंडिया ने बहुत सारे जो ऑलरेडी ऑर्डर दिए थे चाइना को वो कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि उन टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे द एफी केस द प्राइसिंग ऑफ द रैपिड टेस्ट में चेंज द वे इंडिया नाउ टेस्ट द नोवल कोरोना वायरस और कई सारे जो डील्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं जो ऑलरेडी इंडिया मंगाने वाले थे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने एलिगेशन लगाए हैं या कंसर्न रेज किए हैं कि जो भी टेस्ट आ रहा है जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से जो रिजल्ट्स आ रहा है दैट इज़ नॉट सिंक विद द आरटीपीसीआर टेस्ट कई केसेस में तो ऐसा कहा गया कि केवल फाइव परसेंट मैचिंग है तो अब इस ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी कंट्री रिस्क कर लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो इंडिया ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स पर बैन लगा दिया उनके इम्पोर्ट पर और इंडिया आ, और क्योंकि इंडिया के इंडस्ट्री इंडस्ट्री के इंडिया से खबर आ रही है कि बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव्स ये जल्दी ही आने वाले हैं जिसको लेकर के इंडिया आ, कोई डिसीजन ले सकता है इसीलिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट्स जो हैं वो उनको मना कर दिया गया बहुत सारे अदर टेस्ट किस कौन से आने वाले, है? आने वाले हैं एलिजा आने वाला है जो कि बेसिकली आपको याद होगा एड्स के, के केस में ये एलिजा टेस्ट यूज़ होता था ठीक है एनजाइम लिंक्ड इम्यूनो और एब्जॉर्बेंट ऐसे तो एलिजा टेस्ट भी फॉर्मुलेट किया जा रहा है कि कोविड नाइन्टीन के टेस्टिंग में इसको यूज़ किया जा सके या कैमिलो न्यूमिसंेंस टेक्नोलॉजी भी आ रही है ये बेसिकली एमिशन ऑफ लाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है इससे भी हम जो टेस्टिंग हो सकती है वायरल की वो भी कर सकेंगे वो भी अंडर कंसिडरेशन है अभी इस चीज़ को लेकर कोई डिसीजन हालांकि नहीं आया और बोला जा रहा है कि जो लीजा टेस्ट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है नाइन्टी फाइव परसेंट है जो ये कैमिल्यूमिन टे, टेक्नोलॉजी है इसकी एक्यूरेसी नाइनटी नाइन परसेंट है ऑन द अदर हैंड जो हमारी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स हैं उनकी एक्यूरेसी केवल सिक्सटी परसेंट है तो इंडिया इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा रिस्क लेने की सिचुएशन में नहीं है कि वो सिक्सटी परसेंट एरर या फोर्टी परसेंट एरर के साथ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करे ठीक है तो इंडिया ने इसलिए अभी बैन लगा दिया है एंटीबॉडी टेस्ट किट्स के इंपोर्ट को लेकर के आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर नाइन सी बी डी टी चार्जशीट आ... थ्री आई आर एस ऑफिसर्स फॉर लीग रिपोर्ट जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि आई आर एस ऑफिसर्स ने रिपोर्ट लिख कर दी है और मैंने आपसे कहा था कि जरूर उन पर कोई ना कोई लीगल एक्शन होगा तो सी बी डी टी ने उन तीन आई आर एस ऑफिसर्स पर चार्जशीट लगा दी है और उन पर केसेस लगा दिए हैं कि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो सही से फॉलो नहीं की बेसिक वॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द करैक्टर्स ऑफ सिविल सिविल सर्विसज परमानेंसी न्यूट्रैलिटी इम्पार्शलिटी अनोनिमिटी एक्सपर्टाइज ब्यूरोसी एंड मेरिट सिस्टम इसमें इन्होंने क्या फॉल किया एनॉनिमिटी और इम पार्शलिटी को इन्होंने बोलते हैं वॉलेट किया क्या कि एनोनिमिटी जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो हमेशा एनोनिमस होकर काम करते हैं वो जो भी काम डिसीजंस उनके आते हैं वो उनके बिहाफ़ पर नहीं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिसीजंस बोले जाते हैं किसी भी कभी भी आप नहीं दिखेंगे कि कि किसी सिविल सर्वेंट ने कोई ड्राफ्ट बिल बनाया ऐसा नाम आप कभी नहीं सुनेंगे क्यों क्योंकि एक्चुअली बन, बनाते वही हैं लेकिन आता किसका नाम है गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया ठीक है तो वो एनोनिमिटी लेवल पे काम करते हैं इसी पर इसी लाइन पे जो सी है उन्होंने तीन आईआरएस ऑफिसर्स जो कि अभी ड्यूटी पर भी नहीं थे वन ट्रेनिंग पीरियड पे थे उन पर चार्जशीट दायर कर दी है कि भाई उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं फुलफिल किया आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है प्रपोजल फॉर न्यू पावर अथॉरिटी डिवाइड्स एक्सपर्ट्स ये आप देख सकते हैं जिसमें हमने न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल टू थाउजेंड पर डिस्कस किया ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको थोड़ा सा आप डिटेल में देख सकते हैं दीज आर द रिफरेंसेज स्टूडेंट इफ Like, please share and subscribe. Thank you.